हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश डोज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम कैसे यूज करते हैं। दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है पूरी ग्रामर में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है दोस्तों, इसकी पहचान होती है कि सेंटेंस के लास्ट में आ ई ए का साउंड आता है, वो भी किसी वर्ब के साथ। जैसे मैं सुबह सोकर उठा, उसने मुझे गाली दी, हम सब बहुत परेशान हुए और तुमने मुझे बाजार में देखा। तो देखा दोस्तों, इन सेंटेंसेस के लास्ट में वर्ब, मेन वर्ब के साथ आ ई ए का साउंड अगर आता है और सेंटेंस एंड हो जाए, तो आप समझ जाइए कि वो सेंटेंस एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सेंटेंस की पहचान क्या होती है। तो यहाँ पर मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ, जैसे उठा, भागा, दौड़ा, खेला, नाचा। इस तरह की वर्ब्स अगर सेंटेंस के लास्ट में आती हैं, इस तरह का साउंड अगर सेंटेंस के लास्ट में आता है, तो वो एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ इसके रूल की। तो रूल बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा रूल है, बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, यानी कि सेंटेंस के अंदर कोई सब्जेक्ट जरूर होगा जिसके बारे में बात की जा रही होगी, राइट। सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूरी ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर के अंदर सिर्फ यही एक ऐसा टेंस होता है जिसके अंदर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है, वो भी इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव और इंटरगेटिव के अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही इजी सेंटेंस है और सबसे ज्यादा यूज होने वाला सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट के बाद हमने लगाया वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। आपका सेंटेंस हो गया है खत्म। अब आपको करना क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे मैंने बोला राधा सुबह 5 बजे उठी, तो इंग्लिश बनेगी राधा वोक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। राधा सुबह 5 बजे उठी, राधा वोक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। यहां पर हमने राधा के बाद वेक की सेकंड फॉर्म यानी कि वोक को यूज करा, यानी कि वोक अप, राइट। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, सीता ने मुझे गाली दी। तो सेंटेंस है सीता ने किसे गाली दी, मुझे। तो सीता सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो सीता अब्यूज्ड मी, यानी कि अब्यूज्ड का मतलब होता है गाली देना और अब्यूज की सेकंड फॉर्म होती है अब्यूज्ड, राइट। तो सीता अब्यूज्ड मी, सीता ने मुझे गाली दी। इस तरह से हम सेंटेंस के फर्स्ट टाइप को क्लियर कर लेते हैं। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव यानी कि नकारात्मक सेंटेंस को, जिसमें कि नहीं का साउंड आता है। जैसे इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, यानी कि यहां पर हम डू की सेकंड फॉर्म डिड को यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। और सेंटेंस है उसने मुझे नहीं देखा। उसने यानी कि किसी बंदे ने, किसी लड़के ने मुझे नहीं देखा, या हो सकता है किसी लड़की ने मुझे नहीं देखा। यहां पर हम उसने की इंग्लिश लगाएंगे, या तो ही या शी। तो उसने मुझे नहीं देखा, शी डिड नॉट सी मी, राइट। या फिर हम बोलेंगे ही डिड नॉट सी मी, राइट। हमने कपड़े नहीं धोए, वी डिड नॉट वॉश क्लोथ्स। वी के बाद हमने क्या लगाया, डिड नॉट। नॉट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और धोने के लिए इंग्लिश होता है वॉश, तो वी डिड नॉट वॉश क्लोथ्स, हमने कपड़े नहीं धोए। इस तरह से हम इसके नकारात्मक यानी कि नेगेटिव सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, राइट। डिड नॉट का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फ्रंट में सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट, सेंटेंस क्लियर है बिल्कुल, राइट। अब बात करते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की। दोस्तों, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें हम किसी से क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, क्या तुमने मेरा वीडियो देखा, क्या मैंने आपको आज क्लास में कुछ पढ़ाया। इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें हम पूछते हैं, पढ़ाया, क्या मैंने आपको देखा, क्या उसने मेरी बात मानी, इस तरह के सेंटेंसेस हम यूज करते हैं जिसमें हम दूसरे से या सामने वाले से सवाल करते हैं। तो चलिए इसके रूल को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमें लगाना होगा डिड, डिड के बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। चलिए अब सेंटेंस देख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, राइट। सेंटेंस है क्या तुमने मुझे परेशान किया। अब देखिए, हम किसी को जब परेशान करते हैं तो परेशान करने की वर्ब आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर वर्ब का बहुत बड़ा खेल है। आप परेशान करना किसी को क्या होता है, डिस्टर्ब कर रहे हैं आप किसी को, राइट, या किसी को पजल कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं डिस्टर्ब। क्या तुमने मुझे परेशान किया, तो इंग्लिश बनेगी डिड यू डिस्टर्ब मी, डिड यू डिस्टर्ब मी। आप मुझे रिप्लाई क्या देंगे, यस आई डिस्टर्ब यू, आई डिड नॉट डिस्टर्ब यू। तो इस तरह से हम इसको, क्या तुमने मुझे परेशान करा, डिड यू डिस्टर्ब मी से सेंटेंस को क्रिएट करेंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा और डिस्टर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के हम सेंटेंस को फ्रेम करेंगे, क्योंकि डिड सेंटेंस के बाहर है, राइट। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, क्या उसने आज ट्रेन पकड़ी, तो इंग्लिश उसने मतलब किसी लड़के ने या लड़की ने, तो इंग्लिश बनेगी डिड ही कैच द ट्रेन टूडे, डिड ही कैच द ट्रेन टूडे। तो इस तरह से हम किसी से भी सवाल कर सकते हैं। दोस्तों, कितना इजी है ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
बस डिड लगाइए फ्रंट में, उसके बाद आप सब्जेक्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको लगाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क, आपका सेंटेंस बिल्कुल क्लियर है। आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछिए, अब उसकी बारी है, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के आपको या तो हाँ में आंसर देगा या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएगा, डिड नॉट लगा के आपको नेगेटिव आंसर दे देगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपको एक सेंटेंस दे जा रहा हूँ, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करके प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। राइट, क्या राधा ने तुम्हें गली में देखा? क्या राधा ने तुम्हें गली में देखा? दोस्तों इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना इंग्लिश के अंदर और कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। आपका प्यार बना रहना चाहिए, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।